मेरा नमस्कार, एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग गैप के आधार पे जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं ब्रिज कोर्स की पुस्तक पे, उस पे आज हम कार्य करते हैं। कक्षा छठवीं की यह अंग्रेजी पुस्तक है। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट से लेके एक्टिविटी नंबर थर्ड तक कार्य करेंगे। पेज नंबर 48 से 52 तक कार्य करते हैं। पहली बार चैनल में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य विषय के भी सॉल्यूशन वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक समस्त पाठों का हल आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं, रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस। तो यहाँ पे शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो इसका हो जाएगा पहले वाले का, सी इज 5 ईयर ओल्ड। दूसरा हो जाएगा, सी हैज़ 1 वदर। तीसरा हो जाएगा, सी हर विथ प्लेस डॉल। चौथा का हो जाएगा, द क्रो इन कुक्स मॉर्निंग। पांचवे का हो जाएगा, केन बर्ड वेरी फास्ट फ्लाई। अब हम चलते हैं। वीडियो अगर स्पीड में लग रही है तो वीडियो को रोककर आप इनके प्रश्न उत्तरों को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मैच द कॉलम्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सही जोड़ी बनाइए। तो हमने जो बनाया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। द गर्ल इज ईटिंग एन आइसक्रीम, अ क्लॉक टेल्स द टाइम, द काउ ईट ग्रास, और यहाँ पे हो जाएगा, बहादुर इज ड्रिंकिंग टी। अगला है, शब्द समूह की सहायता से खाली स्थान को भरना है। एक एग्जांपल दिया गया है, द शिप सेल्स इन द से। तो इसी प्रकार, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, मैंगोस ग्रो एन ट्रीस, आम जो है वो ऊपर से गिरता है, एन एप्पल है सरेट कलर, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर, अ टीचर टीचेस, द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्स, अ फायरमैन वियर्स इस पे हो जाएगा हेलमेट, और ये हो जाएगा गर्ल प्ले विथ डॉल्स, और इसका हो जाएगा ब्रेड इस मैट फॉर फ्लोर। आशा है आपने इन्हें लिख लिया होगा। अब हम एक्टिविटी नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है, सही जोड़ी को मिलाकर खाली वाक्यों में खाली स्थान में वाक्यों को लिखना है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड वाले का क्वेश्चंस जैसे बनेगा, द डोर आर ओपन, तो आर इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम आंसर लिख रहे हैं तो इसका हो जाएगा, आर द डोर्स ओपन्स। फिर यू वेयर लेट डेट टेस्ट, तो इसका हो जाएगा, वेयर यू लेट डेट टेस्ट क्वेश्चन मार्क, दे विल विजिट अस, तो इसका आंसर हो जाएगा, विल दे विजिट अस क्वेश्चन मार्क्स। फिर है, रश्मि हैड नो मनी, तो हैड रश्मि नो मनी क्वेश्चन मार्क, वी सेल प्ले द मैच टुमारो, तो सेल वी प्ले द मैच टुमारो। अब हम चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए। तो आई एम स्लीपिंग, तो इसका हो जाएगा, एम आई स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क, इसका हो जाएगा, ही इज ही रीडिंग, फिर आर दे सिंगिंग, वास रवि टॉकिंग, और वेयर वी प्लेइंग इन द पार्क क्वेश्चन मार्क, और छठवें नंबर का हो जाएगा, विल मदर कुक फूड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों को वाक्यों में बदलिए। आर द ग्रेप्स स्वेयर, तो द आर ग्रेप्स स्वेयर, फिर वेयर यू आर लेट टुडे, तो यू वेयर लेट टुडे, विल द ट्रेन टुमारो, तो इट विल, इसे आप ट्रेन कर लीजिए, ट्रेन सॉरी रेन टुमारो। क्वेश्चन है, विल इट रेन टुमारो, तो इसका आंसर हो जाएगा, इट विल रेन टुमारो। फिर हैस रोहित नो बॉल, तो रोहित हैस नो बॉल, और हैड दे नो फूड यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा, दे हैड नो फूड यस्टरडे। बच्चों अब हम एक्टिविटी नंबर 3 पे कार्य करते हैं। यहाँ पे एक
गद्यांश दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। इट इज द फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड। माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी डैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रेयर टू द ऑलमाइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एट द एंड ऑफ दिस पियस मंथ्स ईद इज सेलिब्रेटेड। पीपल असेंबल्ड इन द ईदगाह एंड ऑफर प्रेयर्स टू द ऑलमाइट। एवरीबॉडी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। दे से ईद मुबारक एंड हंग ऑन अनदर स्पेशल्स। सिवाई एंड स्वीट्स आर सर्व्ड टू गेस्ट्स एंड विजिटर्स। अब इसके आंसर हम फिलअप करते हैं। हु ऑब्जर्व द फास्ट, फिर इसका हो जाएगा वैन इज ईद सेलिब्रेटेड। तीसरे में हो जाएगा वेयर डू द पीपल असेंबल्ड। चौथे का हो जाएगा व्हाट डू दे से ऑन ईदगाह। और पांचवे का हो जाएगा व्हाट इस भी आ सकता है अरबी शॉर्ट टू गेस्ट एंड विजिटर्स। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, शब्दों को सही क्रम में हमें जमा कर लिखना है। तो इसका हो जाएगा पहले नंबर का वेयर डू यू लाइव, फिर वैन आर दे कमिंग, फिर हो जाएगा हु इज़ अ गुड बॉय, इसका हो जाएगा चौथे नंबर का व्हाट आर यू डूइंग, और पांचवे नंबर में हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। बच्चों आप इसे अवश्य लिख लीजिए। आशा है समस्त प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने प्रेस कर लिया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।